हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा हाउ आर यू ऑल आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन सो फ्रेंड्स दिस इज़ लेक्चर नंबर फोर्टी वन ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के अभी तक हम सात पार्ट देख चुके हैं ये फाइनल और आखिरी पार्ट है आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का इसके बाद विल बी डन विद द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ओके एंड लेटेस्ट क्विकली स्टार्ट पी फाइल्स आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन है वहाँ से मिल जाएगा जिन बच्चों ने ऑलरेडी एम आ, कॉम्बो कोर्सेज़ लिए हुए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा या एम सी कोर्स कोई भी अगर आपने परचेज़ किया हुआ है तो उनको पी डी एफ उसी के अंदर उन्हीं उनके कोर्स के अंदर ही ऑलरेडी एडिड है उनको अलग से पी डी एफ लेने की ज़रूरत नहीं है ओके सो दीज आर द टॉपिक्स हैव टू बी कवर्ड सबसे पहले हम देखेंगे कुछ स्पेशल प्रोविजन बाकी इंडस्ट्रीज के लिए हम प्रोविजन देख चुके हैं कुछ स्पेशल प्रोविजन देखेंगे रिलेटेड टू सर्टन इस्टेब्लिशमेंट्स ओके वर्कर री स्किलिंग फंड के बारे में जानेंगे अनफेयर लेबर प्रैक्टिसज जो आपकी शेड्यूल टू में हैं उनको देखेंगे ब्रीफली एंड ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज को भी फटाफट से कवर करेंगे ओके okay? एंड uh, uh, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो ऑन नाइन जीरो फोर वन टू डबल फोर सिक्स एट नाइन और यू कैन ऑल्सो मेल मी एट सिक्सितट द रेट जी मेल डॉट कॉम ओल राइट चलिए सो स्टार्टिंग विद द स्पेशल प्रोविजन्स फॉर रिलेटिंग टू द ले ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर इन सर्टन इस्टेब्लिशमेंट तो सबसे पहले तो ये वाला जो चैप्टर है इस पर्टिकुलर कोड का ये किस इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई होगा सबसे पहले तो वो सारी इंडस्ट्रीज इसके अंदर आ जाएंगी जिनमें कम से कम 300 वर्कर काम कर रहे हैं अगर 300 से कम वर्कर काम कर रहे हैं तो उस केस में ये वाला चैप्टर उस इंडस्ट्री के ऊपर नहीं लगेगा ठीक है दूसरा एक्सेप्शन है अगर कोई सीजनल करेक्टर की कंपनी है या सीजनल करेक्टर की इस्टैब्लिशमेंट है ठीक है या सिर्फ जो वर्क है दैट इज़ परफॉर्मड ओनली इंटरमीडिएटली ठीक है बहुत कम समय के लिए उसको परफॉर्म किया गया है तब भी उसके ऊपर ये चैप्टर नहीं अप्लाई होगा अब फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री है उसको बहुत सीजनल उसका करेक्टर है और उसमें 400 लोग काम कर रहे हैं लेकिन सीजनल करेक्टर है देन डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर कोड विल नॉट अप्लाई ओके तीन वर्कर या तीन से ज़्यादा वर्कर वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर वो बता देंगे ओके okay? और ये जो 300 वर्कर है अगर पिछले 12 महीने में अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो पिछले 12 महीने में अगर किसी भी दिन 300 वर्कर हुए हैं तो वो एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी वहाँ पर ठीक है जी तो प्रोहिबिशन ऑफ ले ऑफ में क्या बोला गया है कि कोई भी वर्कर अदर देन द बदली और कैजुअल वर्कर बदली और कैजुअल वर्कर क्या हो गया जो परमानेंट वर्कर नहीं है तो अगर कोई भी वर्कर जिसका नाम उस इंडस्ट्री के मस्टर रोल के ऊपर आ रहा है जिस इंडस्ट्री के ऊपर ये वाला आपका चैप्टर अप्लाई हो रहा है यानी कि जो इंडस्ट्री 300 से ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय एं, कर रही है तो उस केस में अगर वर्कर को ले ऑफ करना चाहती है कंपनी तो पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में वन सगे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है ठीक है लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन हैं कि किन केसेस में परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है वो एक्सेप्शन क्या आ जाता है अगर ले ऑफ हो रहा है शॉर्टेज ऑफ पावर की वजह से कोई ऐसी कंपनी है विच इज़ इंडस्ट विच इज़ यू नो प्रोडक्शन इंडस्ट्री जहाँ पर बिजली की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और बिजली है नहीं ठीक है तो अल्टीमेटली uh, बिजली है नहीं तो प्रोडक्शन चालू नहीं है फैक्ट्री वर्क नहीं कर रही है तो उसको बेचारे को कंपनी uh, से ले ऑफ करना ही पड़ेगा कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है लाइक अर्थक्वेक और एनीथिंग लाइक दैट माइंस के केस में भी इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी ठीक है जहाँ पर फायर फ्लड या कोई इनफ्लेमेबल गैस या एक्सप्लोजन की वजह से माइन बंद है ओके सो so, वहाँ पर आ, ये प्रोविजन की परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से वो कब जो है लागू नहीं होंगे ठीक है जी उसके बाद द वर्कर हैज़ बिन गिवन थ्री मंथ्स नोटिस इन राइटिंग इंडिकेटिंग द रीज़न फॉर रिट्रेंचमेंट अब रिट्रेंचमेंट वाला केस आ गया अगर आप किसी भी वर्कर को रिट्रेंच कर रहे हो तो उसको आपको तीन महीने का नोटिस देना पड़ेगा और उस नोटिस में रीज़न भी देना पड़ेगा ठीक है जी और इसके लिए भी आपको गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन पहले लेनी पड़ेगी और राइट उसके बाद अगर आप क्लोजिंग डाउन कर रहे हो अगर आप अपनी इंडस्ट्री को ही बंद कर रहे हो तो उस केस में भी आपको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी एटलीस्ट नाइन्टी डेज़ पहले ओके okay? और उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आप क्लोजर कर रहे हो और कब से आपका क्लोजर जो है वो इफ़ेक्टिव होगा तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है सरकार को देनी पड़ेगी जिसके अंदर आप प्रॉपर रीजंस वगैरह दोगे और ये इसी एक ऑर्डर की कॉपी जो है आप वर्कर्स को भी सबमिट करोगे या वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी दोगे ओके और ये बेसिकली आपका जो सब सेक्शन है जिसके अंदर आपको 90 डेज पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है गवर्नमेंट को ये किन एरियाज़ में अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है जहाँ पर बिल्डिंग रोड केनाल डैम या ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जहाँ पर इम्प्लॉयमेंट सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही है वहाँ पर आपको ये नाइन्टी डेज़ वाले प्रोविज़न को भी फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है ओके नेक्स्ट आ जाता है आपका वर्कर रीस्केलिंग फ़ंड वर्कर रीस्केलिंग फ़ंड री में बेसिकली क्या आ जाएगा आपका सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है ये पर्टिकुलर फंड सेट करेगी जिसको वर्कर रे स्किलिंग फ़ंड बोला जाएगा अब इस फंड में पैसा कहाँ से आएगा तो कोई भी इम्प्लॉयर किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट का इम्प्लॉयर अगर वो किसी वर्कर को रिट्रेंच कर रहा है ठीक है तो जब वो उस वर्कर को रिट्रेंच कर रहा है फॉर एग्जांपल एक्स वर्कर को रिट्रेंच कर रहा है ठीक है और उस एक्स वर्कर की पंद्रह दिन की सैलरी जो थी वो थी पाँच हज़ार रुपये ठीक है तो ये पाँच हजार रुपये इसको इस पर्टिकुलर फंड के अंदर जो है वो डालने पड़ेंगे ओके सो एन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर ऑफ एन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट एंड अमाउंट इक्वल टू फिफ्टीन डेज वेजेस लास्ट ड्रॉन बाय द वर्कर इमीजिएटली बिफोर द रिट्रेंचमेंट, ओके जी या फिर ये दिन जो है कम ज्यादा भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट और और बाकी के सोर्सेज जो है वो कभी भी गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि इन इन सोर्सेज से पैसा भी रिस्केलिंग फंड में आएगा अभी सिर्फ आपका एक यही वाला सोर्स है कि एम्प्लॉयर पैसा डालेगा ठीक है जी फंड को इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा फंड को बेसिकली इस्तेमाल किया जाएगा जो भी वर्कर को रिट्रेंच किया जा रहा है उसको उसके लास्ट फिफ्टीन डे की वेजेस पे करने के लिए आ, ये फ़ंड का इस्तेमाल किया जाएगा कि जितनी भी उसकी पंद्रह दिन की वेजेस बनती है वो उसको दी जाए आफ्टर हिज रिट्रेंचमेंट और ये पैसा उसको पैंतालीस दिन के अंदर अंदर जो है वो पे करना होगा सो so ये फोर्टी डेज भी देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अच्छा एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा चाहे वो हमारा वेज कोड हो चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड हो चाहे वो आपका ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी कोड हो जिसकी वीडियोज अभी डल जाएंगी ये आपकी ठीक है या सोशल सिक्योरिटी सारे कोड्स के के अंदर आप ये लेकर चलें कि हम सारा सारा हिस्सा नहीं कवर करते हैं ठीक है मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं क्योंकि वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ईपीएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हम कर रहे हैं उतना ही आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है उससे बाहर नहीं आएगा ये आप मुझ पर इतना ट्रस्ट करके चल सकते हैं ठीक है उसके बाद अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के अंदर एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ रखी गई हैं या ट्रेड यूनियन भी इसके अंदर आ जाती है ऐसा नहीं है कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर आ जाता है या सिर्फ वर्कर आ जाता है इसके अंदर दोनों आ जाते हैं ठीक है जी तो जो भी इंडस्ट्री जो भी इंडस्ट्रियल uh, एसोसिएशन uh, इस पर्टिकुलर कोड के अंदर रजिस्टर होती है तो उनको अनफेयर लेबर प्रैक्टिसज़ नहीं फॉलो करनी है जो आपके सेकेंड शेड्यूल में स्पेसिफाइड है अब सेकेंड शेड्यूल के अंदर दो तरह की अनफेयर प्रैक्टिस स्पेसिफाइड है एक जो अनफेयर प्रैक्टिसज़ इंप्लॉयर को अवॉइड करनी है दूसरी जो अनफेयर प्रैक्टिसज़ इम्प्लॉइज को अवॉइड करनी है एक एक करके देखते हैं पहले इंप्लॉयर वाली तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयर को बोला गया कि एम्प्लॉयर को किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए या किसी भी वर्कर को कोर्स नहीं करना चाहिए यानी कि उसको टॉर्चर नहीं करना चाहिए अगर कोई भी वर्कर फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करने की बात करता है तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर उसको धमकियाँ देने लगे कि अगर तूने ट्रेड यूनियन ज्वाइन किया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा ठीक है अगर कोई ट्रेड यूनियन बना रहा है अपनी फैक्ट्री के अंदर या कोई अपनी इंडस्ट्री के अंदर वर्कर मिलकर के ट्रेड यूनियन बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वर्कर्स को धमकी दे दो कि मैं तो ताला लगा दूंगा लॉकआउट कर दूंगा ठीक है जी आप ऐसा भी नहीं कर सकते अब कई केसेज में क्या होता है आ, कि आप वर्कर को जो है वेज इंक्रीज़ का ऑफर दे देते हो वेज इंक्रीज़ का लालच जो है वो दे देते हो ताकि बेसिकली uh, वो एफर्ट्स को अंडरमाइन कर सके ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के उसके अलावा एम्प्लॉयर इंटरफेरेंस इन ट्रेड यूनियन को और किस तरीके से कम करना है एंड एम्प्लॉयर टेकिंग एन एक्टिव इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रेड यूनियन ऑफ इज़ वर्कर्स एम्प्लॉयर का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि अगर वो ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर्स को ऑर्गेनाइज़ करने की बात करता है ठीक है जी उसके अलावा एंड एम्प्लॉयर शोइंग पार्शियलिटी और ग्रांटिंग फेवर टू वन ऑफ सेवरल ट्रेड यूनियंस अब एक कंपनी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बड़ी कंपनी है टाटा रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी है जिनके अंदर इतने लाखों की तादाद में इम्प्लॉयज़ हैं सो डेफिनेटली ट्रेड यूनियंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंबानी साहब जो है एक पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन को फेवर कर रहे हैं ठीक है ताकि सारे वर्कर्स जो हैं उसी पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन की तरफ आ जाएं जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पर क्या होता था जो अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते थे वो उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर देते थे तो ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है ट्रेड यूनियंस को आप फ्रीली काम करने दें उसके बाद टू एनकरेज और डिस्करेज मेम्बरशिप इन एनी ट्रेड यूनियन बाई डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी वर्कर अब आप किसी पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन में मेंबरशिप को एनकरेज कर रहे हो या मेंबरशिप को डिस्करेज कर रहे हो कैसे आप किसी वर्कर को पनिश कर देते हो या डिस्चार्ज कर देते हो ठीक है अगर वो दूसरे वर्कर्स को कहता है कि भैया ये वाली ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर लो ठीक है तो एक तरह से उसको धमकाने का ही तरीका हो गया या फिर आप किसी वर्कर को डिसमिस कर देते हो डिस्चार्ज कर देते हो अगर वो किसी स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर लेता है अब स्ट्राइक देखो इलीगल तो नहीं है ना सारे केसेस में ठीक है अगर इलीगल स्ट्राइक में वो पार्टिसिपेट कर रहा है और तब आप उसको डिसमिस या डिस्चार्ज का कर रहे हो तब वो अनफेयर नहीं है लेकिन अगर वो स्ट्राइक लीगल है तो उसके बाद भी आप उसको डिस्चार्ज या डिसमिस करने का धमकी दे रहे हैं तो डेफिनेटली दैट्स अ अनफेयर ट्रेड अनफेयर प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर ओके उसके बाद अगर आप सीनियोरिटी रेटिंग चेंज कर देते हो वर्कर की क्योंकि वो किसी ट्रेड यूनियन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है या आप उसको प्रमोशन नहीं देते ठीक है या फिर आप किसी वर्कर को प्रमोशन दे देते हो ताकि वो वर्कर्स के बीच में लड़ाई हो जाए कोई वर्कर है फॉर एग्जांपल दो वर्कर हैं ठीक है उन दो वर्कर्स में एक की प्रमोशन ड्यू थी और दूसरे की अभी प्रमोशन का टाइम भी नहीं हुआ था लेकिन आपने दूसरे को दे दी वो सेम ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं ताकि उनके आपस में बीच में लड़ाई हो जाए और ट्रेड यूनियन अल्टीमेटली आपकी जो है डिसमेंटल हो जाए ठीक है उसके अलावा आप ऑफिस बियरर्स जो हैं उस ट्रेड यूनियन के जो एक्टिव ऑफिस बियरर्स हैं आप उनको डिस्चार्ज कर देते हो कि भाई तू तो पूरा दिन ट्रेड यूनियन की एक्टिविटी में ही लगा रहता है ये रीज़न नहीं होने चाहिए ओके उसके बाद अगर आप किसी वर्कर को डिस्चार्ज या डिसमिस कर रहे हो उसको प्रताड़ित करके पूरी तरह उसको विक्टिम बना करके ठीक है आप उसके राइट्स को ले रहे हो आप झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो क्रिमिनल केसेस लगा रहे हो फॉल्स एविडेंस के बेस पे वर्कर के ऊपर ठीक है आप फॉल्स रीजंस की वजह से उसको बाहर निकाल रहे हो काम से ओके okay? और आप उसके ऊपर बेबुनियाद एलिगेशन लगा रहे हो अगर वो छुट्टी ले लेता है बेचारा कभी बिना लीव दिए आप बिना रीज़न जाने कि क्यों ऐसा हुआ अल्टीमेटली आप नेचुरल जस्टिस के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो या फिर आप मिसकंडक्ट कर रहे हो ठीक है आ, या फिर आपने कोई छोटा सा बेचारे वर्कर से एरर हो गया कोई टेक्निकल करेक्टर का तो उस केस में आपने उसको पनिशमेंट जो है उसके एरर से बड़ी दे दी तो ये सारी की सारी क्या हैं आपकी अनफेयर प्रैक्टिसेस में आएंगी ठीक है उसके बाद टू एबॉलिश द वर्क ऑफ अ रेगुलर नेचर बीइंग डन बाय वर्कर एंड टू गिव सच वर्क टू कॉन्ट्रैक्टर्स एज अ मेजर ऑफ ब्रेकिंग अ स्ट्राइक स्ट्राइक पर जाए हुए वर्करों की स्ट्राइक तोड़ने के लिए आप क्या करते हो आप कॉन्ट्रैक्टर को बुला लेते हो कि ये लोग तो स्ट्राइक पर बैठे हैं तो मुझे लेबर दे दे ठीक है ताकि अल्टीमेटली वर्कर देखो गरीब आदमी है बेचारा वो कभी ना कभी तो वो स्ट्राइक तोड़ने के लिए मजबूर हो ही जाएगा ओके टू ट्रांसफर अ वर्कर मेलाफाइड फ्रॉम वन प्लेस टू तो अनदर आप उसको ट्रांसफर कर देते हो मैनेजमेंट पॉलिसी बोल करके लेकिन लेकिन अल्टीमेटली आप वहां पे यूनियन को वीक करना चाहते हो या किसी और आपका जो रीजन है इंटेंशन है वो काम नहीं है वो कुछ और है ठीक है जी उसके बाद टू इंसिस्ट अपॉन इंडिविजुअल वर्कर्स हु आर ऑन अ लीगल स्ट्राइक टू साइन अ गुड कंडक्ट बॉन्ड एज अ प्री कंडीशन टू देम टू रिज्यूम वर्क अब आप वर्कर्स जो लीगल स्ट्राइक पर हैं उनको कहते हो कि स्ट्राइक तब खत्म करने दूंगा जब तू बॉन्ड साइन करके देगा कि uh, बेसिकली आगे से ऐसा नहीं होगा तो ये सब चीज़ें भी जो है वो आपकी गलत है अगर आप फेवरेटिज़म दिखा रहे हो पार्शियलिटी दिखा रहे हो एक क्लास ऑफ वर्कर्स की तरफ या एक सेट ऑफ वर्कर्स की तरफ बिना मेरिट को ध्यान में दिए देन आल्सो इट इज़ कंसीडर्ड अ अनफेयर प्रैक्टिस ये सब हम कर क्यों रहे हैं दोस्तों ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में वो पूछ सकता है इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपके साथ यहाँ पर कवर कर रहा हूँ ओके okay. उसके अलावा अगर आप देखो बदली या कैजुअल या टेम्प्रेरी वर्कर्स को आप अपॉइंट कर लेते हो ठीक है और सालों साल आप इन्हें परमानेंटली इम्प्लॉय भी नहीं कर रहे हो और इनका कैजुअल वर्क स्टेटस भी मेंटेन कर रहे हो अल्टीमेटली इनको परमानेंट वर्कर्स के प्रिवलेजेस नहीं मिल रहे सिक्योरिटी नहीं मिल रही और आप अपना काम चलाए जा रहे हो सो दैट इज़ आल्सो रॉन्ग ठीक है जी उसके अलावा टू डिस्चार्ज और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वर्कर फॉर फाइलिंग चार्जेज और टेस्टिफाइंग अगेंस्ट एन एम्प्लॉयर अगर कोई इंप्लॉयर है उसके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है और वर्कर को बुलाया जाता है गवाही के लिए वर्कर को पूछा जाता है और वर्कर जो है सच है अगर कुछ है और वो बता देता है वर्कर कि हाँ जी ऐसा हुआ उसके बाद आप उससे खुंदक खा करके बैठ गए तो वो भी आपके बिहाफ पर गलत है ठीक है टू रिक्रूट वर्कर ड्यूरिंग अ स्ट्राइक विच इज़ नॉट एन इीगल स्ट्राइक अगर आप किसी वर्कर को रिक्रूट कर रहे हो जब आपकी स्ट्राइक चल रही है तब वो उसको भी जो है अनफेयर प्रैक्टिस में कंसिडर किया जाता है अगर कोई अवार्ड हुआ, हुआ है या कोई सेटलमेंट हुआ है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में या कोई एग्रीमेंट हुआ है उसको आप अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो ठीक है जी आप वॉयलेंस का इस्तेमाल कर रहे हो फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो अपने वर्कर्स के ऊपर देन आल्सो इट इज़ कंसीडर्ड एज अ अनफेयर प्रैक्टिस ओके ऑल राइट उसके अलावा कलेक्टिव बार्गेनिंग का राइट right, अगर आप उनको नहीं दे रहे हो जो रिकोगनाइज ट्रेड यूनियंस हैं या फिर आप लॉकआउट कंटिन्यू कर रहे हो या प्रपोज कर रहे हो जो इन है इस कोड के अंदर स्ट्राइक लीगल है लेकिन लॉकआउट आप ऐसे वर्कर्स को फोर्स करने के लिए नहीं कर सकते हैं ठीक है जी उसके बाद एम्प्लॉज़ के पार्ट पे भी कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आ जाती हैं अगर आप बेसिकली एडवाइस कर रहे हो या एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हो या भड़का रहे हो स्ट्राइक जो इन है इस कोड के अंदर वो गलत है ठीक है जी और उसके बाद अगर आप किसी वर्कर को फोर्स कर रहे हो एज अ ट्रेड यूनियन आप किसी वर्कर को फोर्स कर रहे हो एज अ मेंबर ऑफ अ ट्रेड यूनियन आप किसी वर्कर को फोर्स कर रहे हो कि भाई हमारी ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर या किसी दूसरे की ट्रेड यूनियन ना ज्वाइन कर वो भी गलत है ठीक है जी अगर कोई रिकगनाइज़ ट्रेड यूनियन है अगर वो रिफ्यूज़ कर देती है कलेक्टिव बारगेनिंग के लिए एम्प्लॉयर के साथ मिल करके सो तो वो भी एक चीज़ गलत होगी टू इंडेजेंट करेसिव एक्टिविटीज़ अगेंस्ट सर्टिफिकेशन ऑफ अ बार्गेनिंग रिप्रेजेंटेटिव स्टेज इंकरेज और इंस्टिगेट सच फॉर्म्स ऑफ करेसिव एक्शन एज विलफुल गो स्लो ठीक है जानबूझ करके आप गो स्लो एक्टिविटीज़ कर रहे हो जो वर्कर्स की एक्टिविटी है उनको स्लो करवा रहे हो वर्किंग प्रेमाइसिस के अंदर घेराओ जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं ठीक है थीके? उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हो आप इंप्लॉयर के रेजिडेंस के ऊपर जा करके या मैनेजर्स के रेजिडेंस घर पहुँच करके आप डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हो उसको भी गलत माना गया है ठीक है एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी डैमेज करने के लिए लोगों को इंसाइट कर रहे हो या आप उसमें इंडल्सड हो किसी भी तरह की वॉयलेंस के अंदर आप हो या आप किसी को थ्रेटन कर रहे हो तो वो चीज़ें भी आपकी गलत हैं ऑन द पार्ट ऑफ इम्प्लॉय चलिए उसके बाद लास्ट हम देखते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज तो सबसे पहले तो पावर ऑफ ऑफिसर टू इम्पोज पेनल्टी में क्या है कि भारत सरकार या अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है वो ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है और ये जो ऑफिसर है ये अंडर सेक्रेटरी के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए जो भारत सरकार में अंडर सेक्रेटरी होता है एंड सिमिलर लैंक रैंक जो स्टेट गवर्नमेंट में होता है ठीक है उससे नीचे के ऑफ़िसर को नहीं अपॉइंट किया जाएगा इस ऑफिसर के पास पावर है कि ये किसी को भी समन कर सकता है या किसी भी बंदे को बुला सकता है अपनी जांच पड़ताल करने के लिए और किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यू प्रोड्यूस करने के लिए भी आदेश दे सकता है ठीक है जी पेनल्टी ये लगाएगा अकॉर्डिंगली जो इसको लगता है सिचुएशन के हिसाब से जितनी सूटेबल होनी चाहिए जो भी आपके प्रोविजंस के अंदर गिवन है और अगर कोई व्यक्ति अगर ये ऑफिसर ने पेनल्टी लगा दी और वो पर्सन पेनल्टी पे करने में सक्सेसफुल नहीं होता है, वो पेनल्टी नहीं पे करता है नाइन्टी डेज़ के अंदर अंदर ओके okay? तो उस केस में उस पर्सन को पनिश किया जा सकता है और पनिशमेंट में फ़ाइन लगाया जा सकता है पचास हज़ार रुपये तक का जो दो लाख रुपये तक भी जा सकता है ओके ऑल राइट और अगर कोई पर्सन वेदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं जो सेकेंड शेड्यूल के अंदर गिवन है तो उस केस में फ़ाइन लग सकता है विच शुड विच कैन बी अप टू टेन थाउजेंड रुपीज दस हज़ार रुपये से लेकर के दो लाख रुपये तक वो लग सकता है ओके एनी पर्सन हु आफ्टर कन्विक्शन फॉर एनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस अब किसी को कन्विक्शन हो गया उसने फाइन भी भर दिया पचास हज़ार से दो लाख रुपये दस हज़ार से दो लाख तक का उसको फ़ाइन लग गया लेकिन वो दोबारा से उस क्राइम को कमिट करता है सेकेंड टाइम ठीक है तो उस केस में जो फाइन होगा वो कम से कम पचास हज़ार का होगा जो पाँच लाख रुपये तक लग सकता है और उसको जेल भी हो सकती है तीन महीने तक की ठीक है या दोनों भी उसको लग सकते हैं ओके उसके बाद अगर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के बिहाफ़ पर कोई डिफॉल्ट होता है नोटिस देने में या कोई स्टेटमेंट भेजने में या कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने में तो उस केस में ट्रेड यूनियन के ऊपर भी जुर्माना लगेगा कम से कम एक हज़ार रुपये का और ये दस हज़ार रुपये तक एक्सटेंड हो सकता है और अगर ट्रेड यूनियन जुर्माना लगने के बाद भी उसको कंटिन्यू करती है तो ये जो आपका एडिशनल पेनल्टी है वो उनको पे करना पड़ेगा और एडिशनल पेनल्टी जो है वो पचास रुपये प्रतिदिन की होगी दो ये काफ़ी टेक्निकल है पेनल्टीज़ वाला अगर पेपर को उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाना हुआ तभी वो पूछेगा नहीं तो इसके आने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगर कोई भी इम्प्लॉय कोई भी अगर स्टैंडिंग ऑर्डर है जिसको सर्टिफाई किया गया है इस कोट इस कोड के अंदर उसके कंट्रोवेंशन में कुछ करता है तो उस केस में उसको फ़ाइन देना पड़ सकता है एक लाख रुपए तक का जिसको दो लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अगर कोई वर्कर जो है वो किसी भी तरह का काम कर रहा है जैसे स्ट्राइक में जा रहा है जो इलीगल है जो स्ट्राइक इस कोड के अंदर इलीगल है तो उस केस में वर्कर को भी फ़ाइन देना पड़ेगा जिसमें कम से कम फाइन होगा एक हज़ार का और उसको दस हज़ार रुपये तक भी किया जा सकता है या फिर उसको जेल भी हो सकती है जो एक महीने तक की हो सकती है या दोनों भी हो सकते हैं फाइन और जेल दोनों ठीक है जी अगर कोई एम्प्लॉयर लॉकआउट करता है जो इलीगल है इस कोड के अंदर तो उस केस में एम्प्लॉयर को मिनिमम पचास हज़ार रुपये का फाइन और पचास हज़ार से एक लाख तक का फाइन लग सकता है ठीक है या फिर उसको जेल भी हो सकती है एक महीने तक की या दोनों भी हो सकते हैं फाइन और जेल दोनों ओके चलिए उसके अलावा इसमें एक चीज़ और लिखी गई है कि अगर कुछ भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर है ठीक है उसको हम नहीं मानते और अ... कोई भी कोर्ट जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से छोटा है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उससे जो छोटी अदालत है उसके अंदर इस कोर्ट से रिलेटेड कोई भी अगर ऑफेंस है उसको नहीं सुना जाएगा ठीक है तो मिनिमम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही ऑफेंसेस को सुन सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर अगर कोई ऑफेंस हो रहा है ऑलराइट right, चलिए so guys with this we come to the end of this lecture and with this we complete our industrial relations code as well so i hope you enjoyed the lecture and got to learn some new things and we'll see you in another lecture till then all the best and bye bye and please 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 do share the channel with your friends thank you very much